मुझे सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब मैं अपने परिवार में नहीं बल्कि अपने जैसे हजारों परिवार में नौकरियां दिलवा दूंगा। अमेज़न नदी का नाम सुना होगा, अमेज़न नदी का नाम किसने किसने सुना है? दुनिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पानी की मात्रा के हिसाब से नदी है नहीं है? अच्छा ये बताओ, ये जहां से नदी निकलती है उसका उद्गम स्थल क्या है? अगर इतनी बड़ी नदी निकलती है जिसमें इतना ज्यादा पानी है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा समुद्र या बहुत बड़ी चीज होगी जहां से नदी निकलती होगी। यही तो बात है ना, तुमको जानकर हैरानी होगी कि जहां से अमेज़न नदी निकलती है वहां से मात्र मात्र एक बूंद टपकती है। एक बूंद सिर्फ, और मैं स्थान का नाम नहीं पूछ रहा, सिर्फ एक बूंद टपकती है और एक बूंद से दूसरी बूंद के बीच का जो अंतर है वो 8 सेकंड का है, 8 सेकंड का। लेकिन आज सबसे बड़ी नदी है पानी की मात्रा के हिसाब से, लेकिन हजारों लाखों साल हो गए उसको, 8 सेकंड से 8.1 सेकंड भी नहीं हुआ। यानी कि जैसे ना हमें दिवाली की छुट्टी चाहिए, हमारे कोचिंग में बच्चे कैसे रहते हैं, कहते सर जी हमें अच्छा ही नहीं लगता यहाँ पीलीभीत में। अरे अच्छे के लिए रह रहे हो या ये बताओ, अच्छा लगने के लिए रह रहे हो? हमें क्या होता है यहाँ का बच्चा, सैटरडे में घर जाएंगे, संडे में छुट्टी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, संडे में हमारे हर बार टेस्ट होता है, टेस्ट नहीं स्पीड टेस्ट बोलते हैं, जिसमें 3 पेपर कराते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ टीचर बोले कि सर जी बच्चा नहीं आएगा। मैंने कहा अभी नहीं आएगा लेकिन एक दिन आएगा। ये हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है कि संडे में छुट्टी चाहिए, इस मेंटेलिटी को ही सिर्फ तोड़ना है। माइंड में दो चीज, दो प्रकार के माइंड होते हैं, पावर ऑफ कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड। अगर कभी पढ़े होंगे इस पर एक किताब भी आती है, कभी पढ़ना इसके बारे में। हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है कि संडे को छुट्टी होती है। यहाँ का बच्चा क्या करता है, सैटरडे में घर जाएगा, संडे में छुट्टी करेगा, मंडे में आएगा, यानी कि उसको इतनी छुट्टी चाहिए। लेकिन अगर ये भूत भी कहती कि मुझे होली दीपावली या सबकी छुट्टी चाहिए तो क्या ये कुछ कर पाती? और अगर तुम्हें लगता है कि केवल एक बूंद का ही पानी है, ऐसा नहीं है, इसमें कई सारी नदियां मिली हैं। तुम कहोगे गुरुजी तो फिर ये बूंद का रोल क्या है? तो मैं बताऊं कि अगर तुम आज मेहनत नहीं कर रहे हो, और जो बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर जी मुझे पापा जी घर पर काम करने को कह देते, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज जो बच्चा ये बात कहता है, क्या उसने कभी अपने माँ बाप को ये भरोसा दिलाया कि मैं 12-14 घंटे पढ़ूंगा और मैं पढ़ रहा हूं? बताओ, दिलाया भरोसा? अगर जिस दिन अपने माँ बाप को ये भरोसा दिला दोगे, गारंटी देता हूं कि पिताजी कभी ये नहीं कहेंगे बेटा इस चीज को उठा के भी यहां से मार दे। अगर ये भरोसा हमने तुम दिला दोगे, ये भरोसा हमने नहीं दिलाया, और जब ये भरोसा नहीं होता है ना, तो इधर उधर वाले भी कह देते ना, मार्केट जा रहे हो, अरे बोले ये मेरा वो वाला चीज है या मेरे लिए वो खरीद ली हो, कहते नहीं कहते? और अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारी मेहनत देखी जाएगी तो अड़ोसी पड़ोसी भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे और कहेंगे कि हाँ इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। और पानी की मात्रा यहां से नहीं बढ़ी, पानी की मात्रा यहीं से बढ़ी थी। और कहते हैं कि मेहनत तो तुम्हारी होगी, लेकिन अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ये नहीं कर सकते हो ना, तो समझ लो तुम्हारा आधा कॉन्फिडेंस खत्म। अगर पड़ोसी तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे पिताजी को ताने देते हैं, तो तुम्हारा आधा कॉन्फिडेंस खत्म। और अगर यही लोग सपोर्ट करने लगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस दोगुना हो जाएगा। लेकिन वो करेगा कौन, वो करवाएगा कौन? वो करवाएंगे हम मेहनत खुद। कोई कहता है कि यार मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती, मेरी किस्मत खराब है, या मतलब अलग अलग तरीके के हम बहाने बनाते हैं, अलग अलग तरीके के हम बिलीव करते हैं बहुत सारी चीजों में, कि मान लीजिए पिताजी पढ़ने नहीं देते, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे अलग अलग बहानेबाजी रहती है। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे कहते हैं मान लो तुम बाहर पढ़ने आए हो, या तो बहुत से गाँव में लोग कह रहे हैं तुम्हारा बच्चा 3 साल से पीलीभीत में रहा, अभी तक उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बच्चा इलाहाबाद में जाता नहीं होता तो लोग कहते हैं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अरे अगर हुआ, अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसके पिताजी भी उसकी बात को नहीं मानेंगे और कभी भी मतलब पड़ोसी की बात को नहीं सुनेंगे। और अगर बच्चा इधर उधर घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसमें क्या इसने कहा इसका दोष है? ये बताओ, इसने अगर इस व्यक्ति ने अगर तुम्हारे पिताजी से कहा कि तुम्हारा बच्चा इलाहाबाद में रह रहा है अभी तक सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो क्या इसमें इस व्यक्ति का दोष है या तुम्हारे पिताजी का दोष है? हमारा खुद का दोष है कि हमने उसको कहने का मौका ही क्यों दिया? बताओ, अगर हम उसे मौका ही नहीं देते कहने का तो क्या ऐसा होता? हमने खुद ने उसे कहने का ही मौका दिया। याद रखना कि इंसान जिंदगी में खुद के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है अपनी असफलता और असफलता का। हम लोग क्या कहते हैं अगर हमारे नंबर कम आ जाते हैं या हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं, मतलब नौकरी नहीं लगती, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं मैं इस वजह से नहीं कर पाया।
मैं इस वजह से नहीं कर पाया या पेपर कठिन आ गया, तो मैं तुम्हें जानकर बता दूं, हैरानी होगी तुम्हें जानकर, कि अगर जब तक तुम अपनी समस्याओं का जिम्मेदार, अपनी फेलियर्स का जिम्मेदार खुद को नहीं मानोगे, तब तक जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होगी। जिस दिन अपनी सफलताओं का, अपनी सफलताओं का तो जिम्मेदार बहुत कह देते, कह रहे हमने मेहनत करी। अच्छा, सफलताओं का जिम्मेदार खुद को मानते हो तो असफलताओं का जिम्मेदार कौन होगा? नहीं कह रहा कि मेरी कोचिंग आओ। मैं साफ कहता हूं कि अगर तुम्हें मेरे से गाइडेंस भी चाहिए ना, तो भी चले आओगे और गाइडेंस दे देंगे। अगर खुद पढ़ने की हिम्मत है तो खुद पढ़ के एग्जाम निकाल लेना। मैं तुमसे यही कहूंगा कि मेरी कोचिंग आओ। मैं यहाँ पर कोचिंग के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ जो टीचर कहते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ने वाला, मैं ये चाहता हूँ, जैसे तुमने देखा ना कि अगर मान लो कि नया बच्चा पीलीभीत में आता है, ठीक है, और अगर वो शिक्षक की चौराहे पे खड़ा है, उसे छठी चौराहे पे जाना है, उसे कहेंगे भाई उधर से घूम के आ जाओ, दो मिनट में पहुंच जाओगे। और एक व्यक्ति ऐसा उससे मिल जाता है, वो कहता है पहले सुनगढ़ी जाओ, सुनगढ़ी से छठी चौराहे जाओ। बताओ कौन सा रास्ता सही है? और जिंदगी में ये सही रास्ता ना होने की वजह से ही हमको ज्यादा टाइम लगता है, हमको फेलियर्स लगती है, बस यही रीजन होता है। और अगर हमको सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए ना, तो जिंदगी कहते हैं ना कि जैसे हमने एक व्यक्ति से कहा कि भैया, बोला सर जी जमीन से पानी निकालना है, मैंने 100 फीट का गड्ढा खोदू। बोला दूसरे दिन आया, बोला सर जी 120 फीट का खोद दिया, पानी नहीं निकला। बोला कैसे? मैंने कहा कैसे नहीं निकला? बोले 12 फीट के खोद दिए 10 घंटे। अरे भाई मेहनत एक जगह करनी थी भाई। और मैं गारंटी देता हूं कि तुम में से अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए अपनी जिंदगी का सिर्फ एक साल, ज्यादा नहीं सिर्फ एक साल, और अभी बच्चा, और अभी लोग मुझे पीलीभीत में जानते नहीं, पीलीभीत में आया हुआ इसलिए मुझे 2 महीने 3 महीने 2 नवंबर को कोचिंग खुली थी मैंने, और पीलीभीत में सिर्फ एक ही कैंपेन चलने वाला है, वो ये कि बच्चा को अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो जिंदगी का अपना सिर्फ एक साल हमको दे, जिंदगी का सिर्फ एक साल। और सिर्फ एग्जाम्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। अभी तो अलग अलग एग्जाम चल रहे, गवर्नमेंट ने खुद 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, सीईटी और पीईटी लगा के, सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग, सेंट्रल का लेवल अलग होता है, स्टेट का अलग होता है, बस बच्चे को इतना कराना है। और बच्चा ये बात समझ जाए, उसके बाद एक साल बच्चा अपना दे दे, उसके बाद सबसे सरकारी नौकरी एक नहीं, दूसरी, तीनवीं, चारवीं, पांचवीं कमा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि क्लासरूम में आने के बाद जहां तुम आते होगे, लिख के चले जाते होगे ना, सर तुमसे नहीं कहते होंगे सर जी पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, कभी होता है नहीं होता। लेकिन अगर हमारे यहाँ होंगे ना, तो गारंटी देता हूँ कि 3 घंटे पढ़ाने की हिम्मत रखता हूँ, 3 घंटे तुमसे मेहनत करवा लूंगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर तुमसे मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कोई भी टीचर क्लास में जाए, मान लो मैं ही यहाँ आता, मैं ऐसे रहता कि मैं उस कोचिंग से आया हूँ और ये ऐसा 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 हो जाता होगा, मैं अपना कॉन्फिडेंस अगर लो लेके यहाँ पर आया होता, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसके अंदर मेरा एक विचार भी अगर दिमाग में हिट कर जाए, क्योंकि जिंदगी में एक विचार ही इंसान की जिंदगी को बदल देता है।